ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दासराज युद्ध के बाद क्या हुआ था। ऋग्वेद के 7वें अध्याय में हमें दासराज युद्ध का संपूर्ण विवरण जानने को मिलता है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि स्मार्ट सिटी हड़प्पा की नींव रखने वाले भारत के प्रथम शक्तिशाली दासराज युद्ध के विजेता राजा सुदास थे। साथ ही हमें परम पिता ब्रह्मा जी से 48 वंश आगे तक का वर्णन, आर्यों के इतिहास और उनके वैभव, कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध को जानने का मौका भी इसी युद्ध के स्रोतों से ज्ञात होता है। दासराज युद्ध का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप अभी तक दासराज युद्ध के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक पर जाकर दासराज युद्ध की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज से 7,500 साल पहले 10 जनवरी को भगवान राम का जन्म हुआ था। जन्म के साथ ही उस युग को रामायण युग कहा गया और भारत को उस काल में आर्यवर्त कहा जाता था। इसी युग में पंजाब के रावी नदी के किनारे दुनिया का पहला भयानक युद्ध हुआ था, जो दासराज युद्ध कहलाया। युद्ध में राजा सुदास विजयी होने के साथ ही दुनिया के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने थे। युद्ध के बाद राजा सुदास ने अखंड भारत की खोज की और सिंधु में विश्व के पहले स्मार्ट सिटी हड़प्पा की नींव डाली। राजा सुदास ने इस समृद्ध राज्य पर कई वर्षों तक राज किया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित शहर हड़प्पा राजा सुदास का ही सपना था, जो आगे चलकर एक विशाल शहर में परिवर्तित हुआ। भारत विजय पर निकले राजा सुदास को सिर्फ एक दो बड़े स्थानों को छोड़कर कहीं भी बड़े युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा था। अधिकांश राजाओं ने राजा सुदास का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। राजा सुदास ने युद्ध में परास्त राजा ययाति और देवयानी के पुत्र पुरु को, जो कुरुकुल के पहले राजा थे, के कबीले को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके बाद भारत राजवंश और पुरु राजवंश का नाम मिलकर कुरु वंश हो गया। आगे चलकर कुरु वंश इसी शाखा के रूप में विश्व इतिहास का महान साम्राज्य बना, जिसकी नींव राजा सुदास ने रखी थी। और महाभारत काल में इसी युग में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इस तरह भारत लोग पंजाब में सिंधु नदी से आगे बढ़कर हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में बस गए थे। पहले कुरुओं की राजधानी हरियाणा में थी, जिसकी पहचान हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। वहीं बाद में कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो आज आधुनिक दिल्ली हो गई है। और कुरुक्षेत्र की इसी पावन भूमि पर कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए दुनिया का भीषण युद्ध महाभारत युद्ध लड़ा गया। महाभारत युद्ध के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम आर्य और द्रविड़ के इतिहास को पूरा करेंगे, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि आर्य सभ्यता से पहले भारत में द्रविड़ सभ्यता भी थी। इसीलिए अपने देश के इतिहास को और अच्छे से जानना है तो द्रविड़ के इतिहास को जानना भी बेहद जरूरी है। आगे आने वाली वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि द्रविड़ सभ्यता का इतिहास क्या है, इतिहासकारों का द्रविड़ को लेकर क्या कहना है, आर्यों से पहले भारत में रह रहे लोग कौन थे, कौन सी जाति प्रजाति भारत में निवास कर रही थी। अपने देश का इतिहास जानने के लिए राखी खोसला हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपनी राय और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें।